आज कई लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो कम से कम लागत में शुरू किया जा सके। कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो स्केलेबल है, वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहेगा या नहीं। 10 लाख रुपयों के अंदर अंदर कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो स्टार्ट किए जा सकते हैं। और 10 लाख क्यों? क्योंकि भारत सरकार 10 लाख रुपए तक के मुद्रा लोन प्रदान कर रही है, जिसकी मदद से नए बिजनेस स्टार्ट किए जा सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेसेस बताऊंगा जो 10 लाख रुपए के अंदर अंदर स्टार्ट किए जा सकते हैं और जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल भी हैं और स्केलेबल भी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ये आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। इससे पहले कि मैं आपको बिजनेस आइडियाज बताऊं, आपको कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। एक्वाइट रेटिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्था है जो क्रेडिट रेटिंग्स निर्धारित करती है, उसने एक प्रेस नोट में बताया है कि सन 2022 तक भारत चाइना से अपने ट्रेड डेफिसिट को करीब $8.5 बिलियन से कम करने वाला है। साधारण भाषा में अगर कहें तो ट्रेड डेफिसिट आयात और निर्यात के अंतर को कहते हैं। इसका मतलब है कि हम चाइना से आने वाले सामान का आयात कम से कम करने की कोशिश करेंगे। इससे भारत में एक नई अपॉर्चुनिटी खुल जाती है मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस तरह से कई नए उद्योग शुरू किए जा सकते हैं और जो लॉन्ग टर्म में बहुत सस्टेनेबल होने वाले हैं। सो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। नंबर 1, टॉय इंडस्ट्री यानी कि खिलौना उद्योग। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत स्कोप है। MARC एक ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म है जिसके मुताबिक भारत में खिलौना उद्योग का कुल बाजार 10,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें से ऑर्गेनाइज सेक्टर 3,500 से 4,500 करोड़ रुपए का है। पर दुख की बात यह है कि भारत में बने हुए खिलौनों का इसमें जो भागीदारी है वो सिर्फ 12% है। आने वाले समय में खिलौना उद्योग बहुत तेजी से बढ़ने वाला है भारत में। और दूसरी तरफ चाइना से आने वाले आयातित सामान पे जिस तरह से हम प्रतिबंध लगाने वाले हैं, और मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये हो रहा है भारत में, तो एक बहुत बड़ा अवसर खुल रहा है खिलौना उद्योग के लिए। कई तरह के खिलौने भारत में बनाए जा सकते हैं, बहुत कम लागत में इसका सेटअप किया जा सकता है, और Tier 2 और Tier 3 सिटीज या कई गांव और कस्बों में भी ये खिलौनों का उत्पादन किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं आज ज्यादातर माता पिता के पास समय नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए, और ऐसी स्थिति में हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जो समय व्यतीत कर रहे हैं खेलने में, वहीं कुछ सीख भी जाएं साथ में। तो जो ये लर्निंग टॉयज होते हैं, इनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे ज्यादा रेटिंग होती है किसी खिलौने की, वो ज्यादातर लर्निंग टॉयज हैं, जिससे खेल खेल में कुछ सीखा जा सकता है, जैसे भूगोल, विज्ञान, गणित सीखा जा सकता है। ऐसे खिलौने बहुत महंगे नहीं है, बहुत सस्ते होते हैं, और कोई भी माँ बाप इतना पैसा खर्च करने के लिए ज्यादा सोचते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका बच्चा कुछ न कुछ नया सीख जाएगा। ऐसे खिलौने बनाने के लिए एक लघु उद्योग के तौर पर ऐसा एक छोटा सेटअप पर्याप्त है। यहाँ पर मटेरियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आइडिया इंपॉर्टेंट है। इस तरह के खिलौने कार्डबोर्ड को यूज करके, हार्ड बोर्ड या फिर प्लास्टिक यूज करके, और कई तरह के दूसरे मटेरियल जैसे बैम्बू या लकड़ी का इस्तेमाल करके भी ऐसे खिलौने बनाए जा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज हैं जिससे आप कोई लर्निंग या कोई सीखने वाला खिलौना बना सकते हैं, तो ये उद्योग आपके लिए खुला है और बहुत स्कोप है इसके अंदर, और इससे एक बहुत ही सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म में स्केलेबल बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। और भारत सरकार इस तरह के उद्योग शुरू करने के लिए मुद्रा लोन दे रही है 10 लाख रुपए तक। मैंने एक वीडियो बनाया है मुद्रा लोन आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं 10 लाख रुपए तक। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देख लीजिए। नंबर 2, बाइक एंड कार एक्सेसरीज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड कर रहे हैं अभी, और इसी वजह से वो अपना पर्सनल व्हीकल यूज करना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोग बाइक को यूज करते हैं क्योंकि बाइक आसानी से उपलब्ध होने वाला साधन है। पिछले कई महीनों में जहां पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेल्स बहुत बुरी तरह से ड्रॉप हुई हैं, अब धीरे धीरे टू व्हीलर सेगमेंट में मार्केट अप हो रहा है, और दूसरी तरफ कार मार्केट में भी लोअर सेगमेंट की जो कार्स हैं उनकी बिक्री बढ़ने शुरू हो गई है। तो इनसे जुड़ी हुई जो एक्सेसरीज हैं उनका मार्केट भी धीरे धीरे अप हो रहा है, और अब तक हम चाइना से बहुत सारे एक्सेसरीज आयात करते रहे हैं, तो जैसे जैसे चाइना से आने वाले आयातित सामान पे प्रतिबंध बढ़ने लगेंगे ये मार्केट तेजी से अप होने लग जाएगा। अगर आप कार या बाइक एक्सेसरीज बनाने के लिए कोई लघु उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए के अंदर अंदर आसानी से शुरू किया जा सकता है। कई तरह की एक्सेसरीज होती हैं जो रबर या प्लास्टिक का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं, जैसे बाइक में यूज होने वाले मोबाइल होल्डर्स, क्योंकि लोग अब बाइक से ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं तो उनको नेविगेशन के लिए एक डिवाइस की आवश्यकता होती है जो कि मोबाइल होता है, और उस मोबाइल को होल्ड करने के लिए कई तरह के होल्डर होते हैं जो चाइना से आयात किए जाते थे, पर उनका निर्माण करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत कम लागत में इस तरह का उद्योग शुरू किया जा सकता है जिसमें
तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। और कई तरह की एक्सेसरीज इस्तेमाल होती हैं बाइक्स और कार में, जैसे सीट कवर हुए या फिर कार परफ्यूम और कई तरह के छोटे छोटे लाइटिंग से जुड़े हुए सामान। जब बाइक्स को हाईवे पे ले जाना पड़ता है तो कई तरह के हाई बीम का सामना करना पड़ता है जिससे बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है, तो कई तरह के एलईडी लैंप्स यूज किए जा रहे हैं जिससे बाइकर को आसानी होती है सड़क को देखने के लिए। और इस तरह के इक्विपमेंट्स बनाने के लिए आपको बहुत आसानी से इंडिया मार्ट पे या tradeindia.com पे सामग्री मिल जाएगी। जो प्लास्टिक से बनने वाले जो मटेरियल है उसके लिए आपको प्लास्टिक भी मिल जाएगा और एलईडी अगर आपको चाहिए तो वो भी इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे आपको होलसेल रेट में मिल जाएंगे। तो अगर बाइक या कार एक्सेसरीज बनाने के लिए आप एक लघु उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो आप आसानी से ये उद्योग शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस लॉन्ग रन में बहुत सस्टेनेबल है और इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है और आगे भी बनी रहेगी। तीसरा है मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के एक्सेसरीज। दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले लंबे समय के लॉकडाउन के बाद और अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए कई चीजें ऑनलाइन हो रही हैं और उसकी वजह से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मार्केट बहुत अप हो गया है और इनसे जुड़ी हुई एक्सेसरी का मार्केट भी साथ ही साथ ग्रो कर रहा है, जिसमें से मोबाइल में यूज होने वाली कई तरह की एक्सेसरीज जैसे मोबाइल कवर्स हुए, मोबाइल होल्डर्स हुए, मोबाइल के स्टैंड हुए, क्योंकि कई तरह से लोग एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिकली या ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उसके लिए उनको कई तरह की मोबाइल एक्सेसरीज और दूसरे टैबलेट्स और लैपटॉप से जुड़ी हुई एक्सेसरीज को इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो इनका मार्केट भी नेचुरली अप हो गया है। इसकी कई एक्सेसरीज जो है वो बहुत कम लागत में बनाई जा सकती है, उनका निर्माण किया जा सकता है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो इंडिया मार्ट और tradeindia.com और दूसरे कई B2B प्लेटफॉर्म्स पे इनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से उपलब्ध है और ये काफी सस्टेनेबल बिजनेस है। अगर आप चाहें तो कई कनेक्टिंग डिवाइसेज हैं जैसे डेटा केबल है या फिर मोबाइल कवर्स हैं, मोबाइल प्रोटेक्टर्स हैं, या इन डिवाइसेज को वाटरप्रूफ करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, इन डिवाइसेज को एक पर्टिकुलर पोजीशन में स्टैंड करने के लिए ट्राइपॉड्स की जरूरत होती है, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा डिमांड में है इस वक्त। और अगर आप इन चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए के अंदर अंदर इनका एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया जा सकता है और इन सभी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे आसानी से बेचा जा सकता है। मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेक नहीं किए हैं तो जरूर चेक कर लीजिए कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे और दूसरे ऑनलाइन तरीकों से आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। चौथा है टूल्स यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। कई तरह के प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स जो कि हम चाइना से आयात करते रहे हैं, जो हमारे घरों में किचन से लेकर ड्राइंग रूम तक इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कई तरह के स्टोरेज के लिए जो बॉक्सेस यूज होते हैं, किचन में मसालों को रखने के लिए जो डब्बे यूज होते हैं, या फिर कटलरी और किचन में यूज होने वाले कई तरह के टूल्स जैसे चॉपिंग बोर्ड्स, नाइफ और कई तरह के यूटेंसिल्स, ये सभी प्रोडक्ट्स प्लास्टिक या किसी दूसरी मेटल से बनाए जाते हैं और इनमें से बहुत बड़ा मार्केट जो है वो चाइना से इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट्स का है, तो इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी निश्चित रूप से ओपन हो गई है और इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत कम लागत में एक छोटा सेटअप शुरू किया जा सकता है। चाहे वो छोटा शहर हो, tier 2 tier 3 सिटी या कोई भी गांव या कस्बा, वहां भी ये बिजनेस आसानी से शुरू किया जा सकता है 10 लाख रुपयों के अंदर। इन्हीं प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो दूसरे ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं जैसे कि लाख और बैम्बू, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे बैम्बू से आजकल कई तरह की वाटर बॉटल्स बनाई जा रही हैं, जो बॉटल्स पूरी तरह से बैम्बू से बनती हैं और वो प्लास्टिक को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकती हैं। अभी इन उत्पादों की कीमत ज्यादा है क्योंकि इनका उत्पादन इतना ज्यादा नहीं है, पर जैसे जैसे इनका उत्पादन बढ़ेगा इनका प्रचलन भी बढ़ता चला जाएगा, तो आप इनके बारे में सोच सकते हैं। दूसरी तरफ लाख से बनने वाले प्रोडक्ट्स, घर में कई तरह के टूल्स हैं जिनको लाख से भी बनाया जा सकता है और इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से इंडिया मार्ट पे या दूसरे B2B प्लेटफॉर्म्स पे आप देखेंगे आसानी से उपलब्ध है और आप एक सस्टेनेबल बिजनेस इन चीजों के निर्माण से शुरू कर सकते हैं और इनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप होलसेल मार्केट में भी बेच सकते हैं, इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। नंबर 5 इज डेकोरेटिव आइटम्स का बिजनेस। घरों में कई तरह के सजावटी सामान यूज किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं लंबे समय से लोग घरों में कैद हैं और अब फेस्टिवल का सीजन आ रहा है तो लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, भले सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, पब्लिकली लोगों से नहीं मिल रहे हैं, पर फिर भी घर में सेलिब्रेशन तो जरूर होगा और इसके लिए कई तरह की सजावट का सामान होता है जो लोग खरीदते हैं हर साल, तो इसका एक बड़ा मार्केट है जो हमेशा चलता रहता है। इनमें कई तरह के सामान है जैसे छोटी छोटी मूर्तियां होती हैं जो लोग खरीदते हैं, इन मूर्तियों को प्लास्टिक से बनाया जाता है, इसके अलावा लकड़ी से बनाया जाता है और अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को अगर यूज करें तो लाख और बैम्बू को यूज करके भी ये प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं।
इस बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज भारत में बहुतायत में उपलब्ध हैं और इनकी निर्माण लागत भी ज्यादा नहीं है। तो एक बहुत ही सस्टेनेबल बिजनेस खड़ा किया जा सकता है इन प्रोडक्ट्स को लेकर। कई तरह के डेकोरेटिव आइटम्स में लैंप होते हैं, या फिर लोग गिफ्ट के लिए जो सामान यूज करते हैं उसमें कई तरह के कप्स होते हैं, या कई तरह के क्राफ्ट्स से बनने वाले सामान। तो इन चीजों के निर्माण के लिए आप एक लघु उद्योग अगर शुरू करना चाहते हैं तो कई तरह के मटेरियल उपलब्ध हैं। इनमें जो मुख्य रूप से जो सामान इस्तेमाल होंगे वो हैं बैम्बू, लाख और प्लास्टिक। छठवां है अगरबत्ती उद्योग, यानी कि इनसेंस स्टिक्स। अगर आप अगरबत्ती बनाने का उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो अभी सबसे बढ़िया अवसर है। सन 2011 में भारत सरकार ने विदेशों से आयात की जाने वाली अगरबत्ती पे इंपोर्ट ड्यूटी को 30% से घटा के 10% कर दिया था, जिसकी वजह से पिछले एक दशक में भारत में अगरबत्ती उद्योग में जो भारतीय निर्माता है उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा और कई छोटे व्यापारी तो इस उद्योग से बाहर हो गए। पर जून 2020 में भारत सरकार ने विदेशों से आयात की जाने अगरबत्ती पे इंपोर्ट ड्यूटी को 10% से बढ़ा के 25% कर दिया है। आपको पता होगा कि अगरबत्ती का निर्माण करने के लिए बांस की आवश्यकता होती है और इसमें एक विशेष प्रकार का बांस होता है, बैम्बूसा टुल्डा। भारत सरकार ने 2018 में बैम्बू मिशन की शुरुआत की है, जिसके तहत वो किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए बैम्बू उगाने के लिए, बांस उगाने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे देश में बांस का उत्पादन बढ़ सके और अगरबत्ती उद्योग को फिर से रिवाइव किया जा सके। और लगातार किसान अब बांस उगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप अगरबत्ती बनाने का उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत सही अवसर है। इंडिया मार्ट और ट्रेड India.com जैसे B2B प्लेटफॉर्म्स पे अगरबत्ती बनाने के लिए जो भी मशीनरी और रॉ मटेरियल चाहिए वो आसानी से उपलब्ध है और आप ये उद्योग 10 लाख रुपए के अंदर अंदर आसानी से शुरू कर सकते हैं, अगर आपके पास एक जमीन उपलब्ध है तो। इसके लिए आप चाहे छोटे शहर में रहते हो या किसी कस्बे में या गाँव में भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिजनेस आगे आने वाले समय में बहुत सस्टेनेबल रहेगा। भारत में अगरबत्ती उद्योग का कुल बाजार 6,000 करोड़ रुपए का है और क्योंकि विदेशों से आयात होने वाली अगरबत्ती अब भारत में सस्ती नहीं बेची जा सकेगी, इसलिए भारतीय निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो को इतना प्रेम पूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।